दिव्या मदेरणा को एक बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी से मिल चुकी है। उसके बाद में ही दिव्या मदेरणा फिर से एक्टिव नजर आ रही हैं। दिव्या मदेरणा अब कह रही हैं कि अगर फिर से चुनाव हो जाएं तो मैं घर बैठे 60,000 वोटों से जीत जाऊं। ये दिव्या मदेरणा का कहना है। दिव्या मदेरणा शेरनी की दहाड़ करने वाली MLA कहलाती हैं। दिव्या मदेरणा ने कहा था जब 2023 के चुनाव हुए कि मैं शेरनी की तरह दहाड़ लगाऊंगी और शेरनी की तरह चुनाव लड़ूंगी। अब दिव्या मदेरणा कह रही हैं कि BJP वालों गलतफहमी में मत रह जाना, अगर अभी चुनाव हो जाए तो मैं फिर से 60,000 वोटों से जीत जाऊंगी। ये दिव्या मदेरणा का कहना है। अब भले ही चुनाव तो 2028 में ही होने हैं, लेकिन दिव्या मदेरणा का ये देसी और तीखा अंदाज है, वो आपको सुनवा देते हैं। भले ही हम 2800 वोट कितने होते हैं, 1400 चुनाव का फर्क होता है, बिल्कुल बाल की तरह महीन, बिल्कुल इतना ही फर्क है राजगुड़ते में। इधर BJP वाले गलत से भी मतलब ना, आज चुनाव हो रहा है तो मैं घर बैठे 60,000 से चुनाव लड़ूंगा। और जो चुनाव राजस्थान का ओसियां के अंदर हुआ, जो जन सैलाब मेरे पीछे खड़ा हुआ अपनी बेटी को आशीर्वाद देखने के लिए, ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।